नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस की लैब के अंतर्गत आज हम 6 लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा प्रोग्राम 5 होगा। इसमें हमने प्रोग्राम 4 जो लास्ट सेशन में किया था, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 1 8-बिट नंबर फ्रॉम अनदर 8-बिट नंबर, यानी एक 8-बिट की संख्या से हम दूसरी 8-बिट की संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लास्ट सेशन में किया था, जिसे हमने टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से परफॉर्म किया था। अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक 8-बिट के नंबर से दूसरे 8-बिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये कंसीडर किया कि जो दो नंबर हैं वो ऑलरेडी मेमोरी में 2400 और 2401 पर स्टोर्ड है, यानी कि हमारा प्रोग्राम उन नंबर्स को वहां से पिक करेगा। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दी फ्लो चार्ट। अगर हम फ्लो चार्ट के साथ में स्टार्ट करें, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोड एच एल रजिस्टर पेयर विद 2400H, ठीक है। यानी कि क्योंकि हमने 240 हमने जो कंसीडर किया है कि हमारा जो प्रोग्राम है में जो डेटा है मेमोरी में, वो 2400 लोकेशन पर है, 2400 लोकेशन पर है। इसमें जनरली हमने जो नंबर कंसीडर किए हैं, उसमें हमने एक नंबर लिया है B9, वन नंबर कंसीडर किया है B9, और दूसरा हम जो कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 7B। तो 2401 लोकेशन पे 7B स्टोर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 2400 लोकेशन पर है, तो सबसे पहले हमें एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर 2400 स्टोर करना पड़ेगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा 2400 क्या करेगा, एच एल रजिस्टर पेयर में चला जाएगा। दिस 2400 जो डेटा जो एड्रेस है, दैट विल बी स्टोर इन टू दी एच एल रजिस्टर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसफर फर्स्ट नंबर फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। पहला नंबर जो हमने स्टोर किया है B9, वो हमने 2400 लोकेशन पर किया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2400 लोकेशन से पहले नंबर को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होगा, इस यहां पर जनरली क्या होगा, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो B9 है वो कहाँ आ जाए, A के अंदर आ जाए, एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के जो भी ऑपरेशन हैं वो एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म होते हैं। देन दोबारा से हम क्या करेंगे, एच एल रजिस्टर पेयर को इंक्रीज कर देंगे, यानी गेट 2401 इन एच एल रजिस्टर पेयर। तो इस जगह पर क्या होगा, आपका जो 2401 है वो एच एल रजिस्टर पेयर में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा नंबर हमारा जो है वो 2401 लोकेशन पर है, सेकेंड नंबर। तो अब हम एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर 2401 ले आए। देन योर फ्लो चार्ट विल बी कंटिन्यूड, देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट नंबर। अब हम सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस यहां पर जो हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करेंगे। देन गेट 2402 इन एच एल रजिस्टर पेयर। अब यानी हम क्या करेंगे, यहां पर एच एल रजिस्टर पेयर में दोबारा से हम क्या करेंगे, 2402 लाएंगे। अब ये कैसे आएगा वो हम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से देखेंगे, अभी हमें करना क्या है वो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो 2402 लोकेशन पर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, दैट इज ट्रांसफर रिजल्ट फ्रॉम ए टू लोकेशन 2402। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में आता है, तो हमने उस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में से जो है वो 2402 लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया। तो दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल ट्रांसफर एट द लोकेशन 2402। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद ये हमारा एंड हो जाएगा, हम 2402 लोकेशन पर दोबारा से अपने प्रोग्राम को चेक कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे हम इसको कोट्स में कन्वर्ट करेंगे। जो भी हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसको हम कोट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ साथ हमने ये देखिए यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर इज B9H एंड सेकेंड नंबर इज 7BH, ये हमने दो नंबर कंसीडर किए हैं, ठीक है। नाउ द लेट स्टार्ट द प्रोग्राम। तो हमने 2000 लोकेशन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में लिखा था कि 2400 हमें
एल एक्स आई के अंदर, एच एल पेयर के अंदर लाना है। तो एल एक्स आई एच जो है हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसके माध्यम से हम एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर 16 बिट का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट विल लोड एच एल पेयर विद 2400। तो इसका ऑप कोड होता है 21 और 2400 हमारा एड्रेस हो गया। अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव एम कोमा ए। फिर हमें पहला नंबर जो है वो क्या करना है, ए के अंदर ट्रांसफर करना है। पहला जो नंबर है दैट विल वी हैव टू ट्रांसफर इन रजिस्टर ए, ए के अंदर पहले नंबर को हमें ट्रांसमिट करना है। तो ये आपके पास जो जनरली ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पर आएगा ए कोमा एम, यानी कि हमें 2400 लोकेशन से डेटा को हमें ट्रांसफर करना है ए पर। तो यानी कि जो 2400 लोकेशन पे आपके पास क्या था, जो आपके पास नंबर था वो था B9। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से B9 जो होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। देन अगला इसके लिए जो ऑप कोड है वो 7E है, ट्रांसफर B9 इन एक्यूमुलेटर। ये इसका डेस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज INX H। हमने क्या करना था, हमें एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर 2401 लाना था। तो ये क्या करेगा, पहले इसमें 2400 था तो INX H करेंगे तो ये क्या करेगा, रजिस्टर पेयर को एक से इंक्रीज कर देगा। तो इसका जो ऑप कोड होता है वो 23 होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, हमें पहले नंबर से यानी एक्यूमुलेटर से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड नंबर हमारा कहां पर हमने स्टोर किया था, 2401 लोकेशन पर। 2401 लोकेशन पर हमने सेकंड नंबर स्टोर किया था। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से क्या होगा, ए माइनस एम, ए का मतलब है B9 और एम का मतलब है मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन 2401, 2401 पर क्या डेटा हमने डाला है, 7B। तो B9 में से 7B सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। देन आपके बाद INX H, इसके माध्यम से इंक्रीज दी कंटेंट ऑफ एच एल पेयर बाई 1। अब 2401 की जगह अब हम INX H करेंगे तो इसमें एच एल रजिस्टर पेयर में 2402 आ जाएगा। ठीक है, देन मूव एम कोमा ए। अब हमने ए, क्योंकि रिजल्ट हमारा कहां पर है, रिजल्ट जो है वो ए में है। रिजल्ट जब आपका जो सब्ट्रैक्ट के बाद आया है दैट विल बी इन एक्यूमुलेटर, वो एक्यूमुलेटर में है। तो हमें क्योंकि रिजल्ट को चेक करना होगा सही आया कि नहीं आया है, तो हमें इस एक्यूमुलेटर को किसी लोकेशन पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमने इसे एम पे ट्रांसफर कर दिया। तो हमने लिखा मूव एम कोमा ए, तो द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी ट्रांसफर एट द मेमोरी लोकेशन एम। एम का मतलब है हमारे पास 2402, एम का मतलब है जो लोकेशन एच एल रजिस्टर पेयर में स्टोर होती है वो आपकी एम कहलाती है। तो हमने इंक्रीमेंट किया था 2401 में, तो एच एल पेयर के अंदर 2402 हो गया था। तो एम का मतलब है 2402। तो इसका आउटपुट हुआ 77। तो स्टोर रिजल्ट एट लोकेशन 2402, रिजल्ट कहाँ चला गया, 2402 लोकेशन पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया, हमने हॉल्ट, हॉल्ट के माध्यम से हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं जिसका आउटपुट है 76। इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं। इसमें जो जनरली जो रिजल्ट है, क्योंकि जब आप B9 से 7B को, B9 से अगर 7B को अगर हम सब टिकट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3E। तो इस प्रोग्राम के अंदर जब हम इस प्रोग्राम को किट पर देखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3E आना चाहिए, जो कि हमने 2500 लोकेशन पर स्टोर किया है। ठीक है, तो हमें इसको अब हम देखते हैं, आइए हम इस प्रोग्राम को किट पर देखते हैं। किट पर हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। तो आइए अब हम, हमने जो अभी प्रोग्राम देखा है उसे हम किट पर एग्जीक्यूट करके वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आप किट को ऑन कीजिए। किट ऑन करते ही SCB85 लिखाएगा, देन एक बार किट को रीसेट कर लेते हैं। प्रोग्राम था हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू सब्सट्रैक्ट 1 8-bit नंबर फ्रॉम अनदर 8-bit नंबर इफ बोथ नंबर्स आर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 2400 एंड 2401। यानी दो नंबर है हमारे पास, एक 2400 लोकेशन पर, दूसरा 2401 लोकेशन पर। उसमें से हमें एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 2400 लोकेशन और 2401 लोकेशन पर हम प्रोग्राम वो एक नंबर डालते हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले प्रेस करेंगे एक्स मेमोरी की, देन एड्रेस जिस लोकेशन पर हमें डालना है 2400, नेक्स्ट प्रेस कीजिए।
तो इस पर अभी फिलहाल क्या है, FFF, ठीक है। देन इसमें हमने नंबर कंसीडर किए हैं, पहला नंबर तुम्हारा B9, दूसरा नंबर है 7B, तो B9 हम इस पर प्रेस कर देते हैं, B9 नेक्स्ट कीजिए, दूसरा नंबर है 7B नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए 2402 हमारा इस समय FF पड़ा हुआ है, जबकि हमने रिजल्ट को 2402 पर स्टोर किया है, तो हम देखेंगे बाद में रिजल्ट यहाँ चेक करेंगे, अब रीसेट कर देंगे फिलहाल इसे। देन अगेन एक्स मेमोरी की और अपने स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ प्रोग्राम जहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, देन नेक्स्ट की प्रेस करेंगे। अब पहला ऑप कोड आप प्रेस करेंगे, तो पहला हमारा इंस्ट्रक्शन था LXIH, तो LXIH के लिए ऑप कोड होता है 21, तो प्रेस 21 नेक्स्ट। अब हम एड्रेस डालेंगे 00, देन नेक्स्ट 24, ठीक है। फिर नेक्स्ट से अगला हमारा इंस्ट्रक्शन था मूव M, A, जिसके लिए ऑप कोड था 7E, तो 7E प्रेस करेंगे नेक्स्ट। 7E के बाद हमारा जो अगला इंस्ट्रक्शन था INXH, जिसके द्वारा हम HL रजिस्टर पेयर के एड्रेस को हम इंक्रीज कर रहे थे एक से, तो जिसका ऑप कोड है 23, तो प्रेस 23 नेक्स्ट प्रेस कीजिए। देन अब हमारे पास एक डेटा आ गया एक्यूमलेटर के अंदर 2400 लोकेशन से, और दूसरा जो डेटा है वो 2401 लोकेशन पर है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट M, जिसमें A से M लोकेशन पर जो डेटा है वो माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट M के लिए जो हमारे पास ऑप कोड है दैट इज़ 96, तो प्रेस 96। देन नेक्स्ट अब हम इंक्रीमेंट H करेंगे, यानी HL रजिस्टर पेयर में समय पर 2401 है, उसको हम एक से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास 2402 आ जाएगा उसमें, तो INXS का ऑप कोड है 23, तो प्रेस 23 नेक्स्ट प्रेस करेंगे। देन हमारे पास जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो है आपका मूव M, A, यानी A पे जो डेटा रिजल्ट आया हमारा A-M का, उसको हम M पर ट्रांसफ़र करेंगे मूव M, A से, तो उसका ऑप कोड है 77। तो अब जो रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर है वो M लोकेशन पर पहुंच गया, M का मतलब 2402 लोकेशन पर। उसके बाद HLT, जिसके लिए ऑप कोड है 76 और नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम स्टोर हो गया, जो 2008 8 बाइट का प्रोग्राम था। एक बार आप रीसेट करेंगे किट को और एक्स मेमोरी की प्रेस करके एक बार प्रोग्राम को चेक कर लेंगे कि वो सही से इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला 21002473962377776 दैट इज रीसेट। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आप डेल डेटा की प्रेस करेंगे, उसके बाद फिल की प्रेस करेंगे, गो की प्रेस करेंगे, देन अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग लोकेशन जो कि हमारी 2000 थी, 2000 प्रेस करेंगे और फिल की प्रेस कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद हम इस किट को रीसेट करेंगे और रीसेट करने के बाद एक्स मेमोरी की प्रेस करेंगे और अपना रिजल्ट जहां पर स्टोर किया था उस लोकेशन को डालेंगे 2402 और नेक्स्ट प्रेस करेंगे, तो रिजल्ट आया हमारे पास 3E। तो हमारे पास जो डेटा था उसमें से हमने जो B9 डेटा था उस B9 डेटा से 7B को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसका रिजल्ट था हेक्स में 3E। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब आप किट को रीसेट करेंगे और इसे ऑफ कर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों आपने ये प्रोग्राम देखा, अभी हमने जो भी प्रोग्राम बनाया था फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको हमने किट पर एग्जीक्यूट भी किया, जिसमें एक नंबर हमने कंसीडर किया था B9, उससे हमने 7B को माइनस किया और हमारा जो रिजल्ट आया वो 3E आया, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमने सब्ट्रैक्ट का जो प्रोग्राम है वो हमने किट पर एग्जीक्यूट किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।